फैल करने वालों को, किस लिए? कि पहाड़ी कौम आज तक इकट्ठी नहीं हुई थी, कभी होती नहीं थी, बेगैरत कौम थी। इनकी वजह से, ये वायरल करने की वजह से इनकी यकजहती को देख के वो भी इकट्ठे हुए, आज प्लेटफॉर्म पे आए। ये इनका एहसान है हम पे, होगी एक बात। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि मैंने वहां एक्सप्लेन पूरा खुल के नहीं कर पाया, टाइम कम होता है ना, वॉइस नोट करना मतलब करने में वो मतलब बात निकल गई। मैंने ये कहा था कि हमारा रेंज से नहीं जैसे हमारे ढोकों में ये जाते हैं ना, तो हम भी जाते हैं, जहां इनकी बकरी होती है वहां हमारी भी होती है। तारिक परदेसी, मैं मुंबई में बैठा हूँ, लेकिन आप गर्मी में मुझे चेक करे, बॉर्डर्स वैली के सामने बड़ी बैग ढोक है हमारी, मेरा वहां नाम दर्ज है, मेरा कोठा दर्ज है, मेरा डेरा वहां पे पूरा बसता है, मेरा आधा परिवार वहां पे रहता है, मैं वहां होता हूँ, मेरा पापा वहां पे होते हैं, मेरी सिस्टर वहां पे होती है, हमारा आधा परिवार उधर होता है, हमारे माल मवेशी जितने हैं वहां पे होते हैं, उनके साथ हमारे नाम भी एंट्री हुए हैं। जो अभी ट्राइबल का जो अफेंस जो अभी लगा था, वो जो सर्वे हुई थी, आप चेक करें उसमें मेरा नाम है कि नहीं है। अगर मैं वहां नहीं रहता हूँ तो मेरा नाम क्यों आया? इसमें मेरा नाम है, मैं वहां रहता हूँ, मैं बाकी वहां रहता हूँ, उसका मेरा नाम है। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि हम एक साथ रहते हैं, कोई फर्क नहीं है। अब साथ में मुझे वो वीडियो याद आएगा छुपैया वाला, जिसमें मैंने ये कह दिया कि फर्क सिर्फ इतना है कि वो मुंह नहीं धोते, हम मुंह धोते हैं। मुझे वो बात याद आ गई, इनकी अपनी बात याद आ गई। तो एक छोटी सी लफ्ज मैंने कह दिया, और मुझे जब वायरल हो गया तो मैंने ठक से आधे घंटे के अंदर मुझे लगा यार मुझे फील होगा, क्योंकि मुझे इनके लिए नहीं, ये जो स्टूडियो में बैठ के 4-10 लोग, 50 लोग, 500 लोग भी, 1000 लोग भी बात करते हैं, मुझे उनकी फिक्र नहीं थी। मुझे उनकी फिक्र थी जो अच्छे लोग, 99% अच्छे लोग, जिनके साथ हमारा वास्ता है, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं। और खास करके अगर ये बात कोई दूसरा आदमी कहता तो बड़ी बात है ही नहीं, ये वो छोटी बात है। तारिक परदेसी ने कही थी तो ये उसके लिए बड़ी बात थी, क्योंकि मैं दोनों कौमों का साझा कलाकार था। मुझे जितनी इज्जत पहाड़ियों में मिलती है उतनी मुझे गुजरों में भी मिलती है। मुझे उस वजह से ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। मैंने उस टाइम सॉरी बोल लिया, माफी मांग ली कि अगर मेरा ये मतलब नहीं था, अगर मेरी वजह से, मेरी बात की वजह से किसी को ठेस पहुंची हो, खुद खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, दैट इज ऑल। अब ये जो मुसलमान होते हैं, जो मोमन लोग होते हैं, जो अल्लाह के रसूल के मानने वाले होते हैं, उस बात को वहां दफन करते। दो जिजिया, या इंसान को सजा होती है या माफी होती है। सजा तो वो मुझे दिला नहीं पाए, माफी भी मुझे दे नहीं पाए, मेरा माफी मांगने का भी कोई मतलब नहीं बना, सिर्फ वो मुझे गालियां दे पाए। वो मेरे साथ नहीं लगी है गालियां, मुझे मेरे साथ मेरे गालियां नहीं लगी है, लेकिन ये लोग थे, कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड लोग, बौखलाए हुए थे, उनको उनकी फ्रस्ट्रेशन निकल रही थी, उनको कोई बहाना नहीं मिल रहा था कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाले। हाँ, बात ये बात ये मैंने भी समझा कि ये दर्द कुछ और है, दारू कुछ और है, असल में मेरे साथ ज्यादाती नहीं थी उनको, मैं बस इनके आगे चढ़ गया, मैं बलि का बकरा अचानक मैं लग गया, तो मेरी बात चढ़ गई। मेरे मैं उस पुराने का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मगर ये नहीं है कि आज उन्हें 4-10 लोगों ने गाया था, इसकी वजह से मैं सारी कौम को नहीं बोल सकता हूँ। उन 4-10 लोगों 50 लोगों के कहने पे कुछ बनाने में मुझे छोड़ा दे, खुदा की कसम आज भी फोन आते हैं, लोग अफसोस करते हैं, लोगों के घरों में मातम हुआ, मुझे फोन आया, उन्होंने कहा जी हमें कौन जाए एक साइड पे, हमें आपकी वजह से हमारी फैमिली रो रही है, हमारे घर पे मातम बिछा हुआ, आप ठीक ही है? मैंने कहा फोन आते हैं बेचारे लोगों के, अच्छे लोग, मुझे उनका फिक्र हो गया था कि यार वो नाराज ना हो जाए, मैंने इसलिए माफी मांगी, वो मेरा फर्ज बनता था, मैंने कर दिया। बाकी जो उन्होंने बकवास किया है, अल्लाह उनको जैसे नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में जो फौज गर्क हुई थी ना, ये लोग अब गर्क होने पे आए हैं, जिन्होंने सैयद के नाम पे बकवास किया वो हो जाएंगे। लिहाजा इस टॉपिक को बंद करते हैं, बाकी कुछ और दोस्त भी वेट कर रहे होंगे, तो वो भी पता नहीं सोचेंगे सियासी बातें करने शुरू हो गई। कल देखेंगे हम अपने फेसबुक पेज पे आपको लूंगा, छोड़ो वो ये बात, वहां कल